सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक पर दिए गए फैसले का बेगूसराय सांसद भोला सिंह ने स्वागत किया है। भोला सिंह ने कहा कि भाजपा की जो राय थी कि मुस्लिम महिला गुलामी की जीवन जी रही है, उसका जीवन दुखद है, उसी को कोर्ट ने मान्यता दी है। इससे समाज में एक बड़ी तब्दील होगी, इससे एक देश एक कानून की तरफ बढ़ने का रास्ता साफ हो रहा है। वही तीन तलाक को निर्लज्जता की संज्ञा देते हुए सांसद ने कहा कि मान्यता को लेकर उसे नहीं रौंदा जाना चाहिए था। वही भागलपुर के सृजन घोटाले पर सांसद ने कहा कि इतना बड़ा घोटाला बिना राजनीति हस्तियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी के बिना संभव नहीं है। वही सुशील मोदी पर आरोप लगने के सवाल पर कहा कि CBI मामले की जाँच कर रही है, कानून की नज़र में न कोई CM है न कोई डिप्टी CM, कानून सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तीन तलाक का फैसला समय के भाल पर जो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उसी का इस्तकबाल किया है। और हमारी पार्टी के जो निर्णय थे, हमारी पार्टी की जो राय थी कि मुस्लिम महिलाएं अभी भी गुलामी का जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनका जीवन बड़ा दुखद है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है और इससे समाज में एक तब्दीली आई और भारत वन यूनिफॉर्म कानून की तरफ आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ हो रहा है। निर्लज्जता की पीढ़ी है, निर्लज्जता की पीढ़ी का मतलब हमारा ये है कि आप हैं नंगे और कहते हैं कि हम कपड़ा पहने हुए हैं, आपको लाज शर्म नहीं। तो किससे किसको मतलब किसके लिए है? अब आप किसको है तो जानिए, कौन अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, कौन अपनी बेटी के लिए तमाम मान्यताओं को रोन दिया है। अच्छा सर, तो मैं समझता हूँ कि उस मामले में बिहार सरकार के कदम उठ चुके हैं, संवैधानिक संस्था CBI को उन्होंने सौंप दिया है और इतना बड़ा घोटाला बिना राजनीतिक हस्तियों के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भागीदारी की संभव नहीं है। यह जो भी जो आरोप लग रहा है DPCM के ऊपर, DPCM जो वर्तमान में है, अब जिस पर भी आरोप लगा जब CBI को सौंप दिया गया है तो जो भी आरोप है कानून की निगाह में न कोई CM है न कोई DPCM, कानून सबके साथ एक तरह का बर्ताव करेगा।